आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी सुरक्षित हैं। कोरोना वायरस जो फैला है पूरे विश्व में, उसको देखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना समय अपने परिवार और जनों के साथ बिताएं। करने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए बहुत ढेर सारी किताबें, जैसे मेरे पास कितनी सारी किताबें हैं, और कुछ हमें अपनी नए स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। क्यों, मैं जैसे मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ आजकल, अच्छा लगता है, तो ज़्यादा टाइम मिलूंगा। आज हम शुरू करते हैं एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है खाना नहीं, खाना ही नहीं पचाना भी चाहिए। कहानी एक पहलवान की है। हनुमान सिंह दक्षिणेश्वर मंदिर के रक्षक के कार्य पर नियुक्त थे। दरबान होने पर भी हनुमान सिंह की बड़ी प्रसिद्धि थी। अब उसका एक रीज़न ये भी था कि रामकृष्ण परमहंस जी के साथ इनका बहुत अच्छा व्यवहार था और ये बहुत ही संत किस्म के व्यक्ति थे। पहलवान होने के बावजूद भी बहुत हम्बल थे, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही कोमल और विनम्र स्वभाव की इनकी बोली थी। और एक बार इनको एक नवयुवक ने आके ललकारा कि आप मेरे साथ कुश्ती करें। ठीक है, युवक बहुत लंबा तगड़ा था। हनुमान सिंह जी तैयार हो गए और दंगल का दिन तय हो गया। पर दंगल से एक सप्ताह पहले ही उस नवयुवक ने ने बहुत ही गरिष्ठ चीज़ें खानी शुरू कर दी, लाइक मेवा मिष्ठान, दूध मलाई, जो वो पहले इतना खाता नहीं था उससे ज़्यादा। तो रामकृष्ण जी ने पूछा, हनुमान सिंह जी आप जीत तो जाओगे ना, अपने अपने शरीर को बलिष्ठ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन हनुमान सिंह जी का तो वैसा ही शेड्यूल था जो उनका पहले हमेशा की तरह रहता था, मन सुबह उठना, जब ध्यान करना और दिन में एक बार ही खाना खाना। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने जब पूछा रामकृष्ण जी ने कि आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना, आप चीज़ें खा रहे हो अच्छे से, और पहलवान खाते भी हैं, लेकिन एकदम 7 दिन पहले ही खाने से तो शरीर पे तो गरिष्ठ चीज़ों से पचेगा ही नहीं वो। तो हनुमान जी ने बोला कि वो खा तो ज़्यादा रहा है पहलवान, जिससे मेरा दंगल होना है, लेकिन वो उससे पचेगा नहीं, और मुझे जीतने के लिए मैं प्रयास दे रहा हूँ और मुझे आपकी कृपा चाहिए। रामकृष्ण परमहंस तो परम ज्ञानी, परम संत और परम प्रतापी किस्म के साधु थे, और वैसे साधु जल्दी हुए भी नहीं। तो दूसरे दिन ही दंगल में हनुमान सिंह जी ने उस पहलवान को सचमुच हरा दिया। कारण क्या था कि जो हमें खाना है उसे पचाना भी है, नहीं तो उस अन्न का कोई फायदा नहीं शरीर पर। सो मित्रों, इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।